Good morning students, today we will learn about expanded form and short form. So children, our today's topic is expanded form. Take a fresh page and note down expanded form, write today's date in the margin. What is expanded form? Children, all those numerals are there, we can write in different forms. An expanded form is the way of writing numerals to see the place value of individual digits. एक्सपांडेड फॉर्म एक ऐसा तरीका है नंबर्स को लिखने का जिससे हम इंडिविजुअल नंबर की प्लेस वैल्यू आसानी से देख सकें या पहचान सकें या पता कर सकें. ओके, तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या है? वे ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स टू सी द प्लेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स. एग्जाम्पल के लिए एक डिजिट यहाँ पर दी गई है, उसकी हमने प्लेस वैल्यू दी है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores. सो अगर हम नंबर नेम इसका लिखते हैं तो 26 crores, ₹49 lakh, ₹30,000, ₹200, ₹81, ठीक है, 76 crores, 49 lakhs, 30,000, 281. इसे कहते हैं नंबर नेम्स पे लिखना. हम पहले ही इससे सीख चुके हैं नंबर नेम देना, किसी भी डिजिट्स की, किसी भी नंबर की, किसी भी न्यूमरल्स की हमें आ चुकी है. अब देखते हैं किसी भी नंबर नेम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. सिंपली नंबर को आप वैसे ही कॉपी कर लीजिए, नंबर को कॉपी कर लीजिए और नंबर को पीरियड्स के अकॉर्डिंग कॉमा पुट कर दीजिए. ये पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमने कॉमा पुट कर दिया. इस तरह से नंबर को लिखने को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, ये नंबर नेम हो गया हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. तो नंबर को उनके पीरियड्स के अकॉर्डिंग अलॉट करना उनमें कॉमा, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. ठीक है, अब हम सीखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. एक्सपांडेड फॉर्म में बेटा ये जो नंबर है सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए ऊपर. जैसे ही नंबर की प्लेस वैल्यू लिख देते हैं फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट देखते हैं क्या लिखा हुआ है. 7, 7 किस प्लेस पर है? 10 crores की. तो 7 है 10 crores की प्लेस पर. और क्रोर्स में, 10 crores में कितने जीरो होते हैं? 8 zeros. ओके, सो हम कैसे लिखेंगे इसको? 7 crores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 zero को हम पहले 3 digit बाद कॉमा, फिर कॉमा और फिर कॉमा. तो ये हमारा कितना हो गया? 10 crores की पोजीशन पे 70 crores हो गया. प्लस का साइन लगाएंगे बीच में. अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? नेक्स्ट नंबर है हमारा 6 crores. तो 6 crores के लिए 6 लिख दिया. कितने जीरो होंगे करोड़ में? 7. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये हमारा 6 crores हो गया. हम प्लस का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 4 है 10 lakh की पोजीशन पे. तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 40 lakh. तो 40 lakh के लिए हम कितने लगाएंगे जीरो? 6. 4, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यहाँ पर कॉमन लगाना रह गया. 3 digit बाद 2 digit बाद और यहाँ 2 digit बाद. यहाँ पर 3 digit बाद, 2 digit बाद और 2 digit बाद. अब नेक्स्ट के लिए हम प्लस लगाएंगे बीच में. अब ये देखिए 9 किस पोजीशन पे है? लैक्स की पोजीशन पे. और लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 5. तो हम क्या लिखेंगे? 9, 1, 2, 3, 4 and 5. 3 digit बाद और 2 digit बाद कॉमा. ये हो गया हमारा 9 lakh प्लस 3
10,000 की पोजीशन पे है और 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरोस, तो 3, 1, 2, 3 and 4, 3 डिजिट बार और 2 डिजिट तो है ही। प्लस का साइन लगाएंगे, अब जीरो लिखा है, जीरो को एज इट इज लिख देंगे, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे हम। अब देखिए 2 किस पोजीशन पे है? 100 की, 100 में कितने जीरो? 2। प्लस 8 किस पोजीशन पे है? 10s की, 10s में कितने जीरो? 1। प्लस 1s की पोजीशन पे है, 1 को हम एज इट इज रहने देंगे। इसे कहते हैं नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना। क्लियर हुआ बच्चों? अब एक और तरीका है हम कैसे एक्सपांडेड फॉर्म को वर्ड्स में लिखते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? ये कितना है हमारा, कितने करोड़ है? 10 करोड़ की पोजीशन पे, तो 70 करोड़ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 70 करोड़ को 10 करोड़ की पोजीशन पे है, इसलिए लिखेंगे 7, 10 करोड़। ओके, प्लस अब ये कितना लिखा है? 6 करोड़ पोजीशन पे है, 6 प्लस 6 करोड़। प्लस 4 10 लाख की पोजीशन पे है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 10 लैक्स पोजीशन पे। ओके, अगेन प्लस का साइन। अब 4 के बाद देखिए 9 कितनी पोजीशन पे है? लैक्स पोजीशन पे है, प्लस 9 लैक्स। प्लस का साइन लगाएंगे, 3 किस पोजीशन पे है? 10,000, तो हम लिखेंगे 3 10,000। ओके, 0 एज इट इज छोड़ देंगे, या 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 2, 100 की पोजीशन पे है, तो हम 200। ओके, प्लस का साइन, 8 टेंस पोजीशन पे है, प्लस 8 टेंस। प्लस का साइन, 1 वंस पोजीशन पे है, तो 1 वंस। इस तरह से हम नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं और एक्सपांडेड फॉर्म को वर्ड्स में इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया किसी भी नंबर को नंबर नेम में लिखना, एक्सपांडेड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना और एक्सपांडेड फॉर्म को वर्ड्स में लिखना। क्लियर हुआ? ये है एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म को इस तरह से लिखते हैं। तो आप अपनी कॉपी निकालिए, क्लासवर्क कॉपी, डेट डालिए आज की, एक्सपांडेड फॉर्म हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, वे ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स टू सी द प्लेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स, एग्जाम्पल दीजिए 7649302 81, प्लेस वैल्यू दीजिए 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ and 10 करोड़, नंबर नेम में लिखिए नंबर को, देन वन लाइन लीव करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, देन वन लाइन लीव कर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए, एक्सपांडेड फॉर्म के बाद वन लाइन लीव कीजिए, फिर एक्सपांडेड फॉर्म को वर्ड्स में लिखना है, तो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म को हम वर्ड्स में लिखेंगे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कॉपी कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।